हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस परफेक्ट हैशटैग बिकू। आज का मेरा टॉपिक रहेगा मोटिवेशनल पे। मोटिवेशनल पे अगर बात किया जाए तो ऑब्वियसली सबसे नंबर वन टॉप मोस्ट में आता है हमारे पेरेंट्स, है ना। हमारे पेरेंट्स हमको बहुत मोटिवेट करते हैं, जिसके कारण आज आप सब, हम सब जिस स्टेज पे हैं बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट, ठीक है। नंबर सेकंड टीचर्स एंड नंबर थर्ड योर सोसाइटी अराउंड यू। तो मोटिवेट हमको हमारे हर स्टेज पे, हमारे लाइफ पे हर कोई देता है, बट हम उसको जस्ट इग्नोर करते हैं या उनको हम पहचान नहीं पाते। तो आइए दोस्तों, हम उन्हीं पे बात करेंगे कि हम कैसे अपने आसपास जो भी हमको कुछ सीख देते हैं, हम उनको कैसे इग्नोर करते हैं और हम कैसे जजमेंटल हो जाते हैं। तो गाइस, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम एक दूसरे के ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाते हैं, हम लोग इतने नेगेटिविटी हो जाते हैं या नेगेटिव हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हम लोग पॉजिटिविटी जो हमें सीख दे रही है हम उसको इग्नोर करते हैं। फेलियर कंडीशन सिचुएशंस होते हैं तो आप उनसे बिल्कुल मत घबराइए, वही पहला सीढ़ी है आपके सक्सेस होने का। तो गाइस, किसी चीज़ से आप ये मत सोचिए कि हमको ये नहीं मिला, हम पास नहीं हो पाए, या हमको ये लेना था नहीं हो पाया। तो इन सब चीज़ों से आप डिमोरलाइज मत होइए। अब हमेशा ये आगे सोचिए कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, वे सक्सेस हो सकते हैं, और जो पॉजिटिव चीज़ों को हम उनको पाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि नेगेटिव चीज़ों को हम उन पर रिएक्ट करते हैं और हम उन्हीं नेगेटिव चीज़ों को इनटेक करते हैं, जिसके कारण वो दूसरों के बारे में, अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत जल्दी जजमेंट करते हैं। ये सोचते कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे होगा नहीं, अरे नहीं ये वो, हम ये सोचते हैं। तो गाइस, अगर आपको नेगेटिविटी या कहीं फेलियर आपको मिलता है तो आप ये सोचिए कि वही आपकी पहली सीढ़ी है सक्सेस की ओर। तो गाइस, किसी चीज़ से आप दुखी मत होइए, जस्ट बी हैप्पी। और अगर एक चीज़ से फेलियर मिलता है तो आप दूसरा नेक्स्ट चीज़ ट्राई करिए, आपको सक्सेस मिल सकता है। तो फिर इसी चीज़ के साथ मैं आज का ये मोटिवेशन स्पीच थोड़ा सा था। तब तक के लिए, मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आए हों, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करिए। तब तक के लिए टेक केयर।